ये देखिए दोस्तों, एक पीस 2000 का है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए गुलशन का दूसरा घाट है भाई, बेच रहे हैं इसको। लड़ाते बहुत, लड़ाते हैं। हाँ, ये देखिए गजब का चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको नहीं दिखाएंगे अपने विंध्या चल में, ऐसा चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सब आप सेल्फी ले लीजिए यार अच्छे से, ताकि थंबनेल बना सके। इसका बुलबुल बोलते हैं ना यार, जी बुलबुल। ये देखिए भाई, बुलबुल चिड़िया है। अब आप लोग उधर क्या बोलते हैं, लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ बुलबुल बोलते हैं। देखिए लड़ाने के लिए सब बांध कर ऐसे किस तरीके से रखे जा रहे हैं, ये सब पाले हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, एक पीस 2000 का है। धूप है? हाँ हाँ, वो सही दिख रहा है, धूप है, सब सही दिख रहा है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जो इसे जो नहीं लटती है, हाँ हाँ, उनको आजाद किया जाता है। अच्छा अच्छा, इनको बंदी बना के नहीं रखते। अच्छा अच्छा, हाँ भाई, इसको बंदी बनाकर ये लोग नहीं रखते हैं, लड़ाने के बाद जो है आजाद कर देते हैं, और या फिर जो नहीं लड़ता है उसको भी आज़ाद कर देते हैं। भैया साहब बैठे हुए हैं, और ये लड़ाने का मतलब अदर पार्टी आती है ना? नहीं नहीं, यहाँ के जितने लोकल विंध्याचल के लोग बना। तो भाई ये मतलब आप, मैं तो इसके पहले आया था 2-4 महीने, तो आप नहीं थे ये सब? जैसे कि 1 महीने पहले लड़ाई होती हुई होगी, मकर संक्रांति 14 तारीख खिचड़ी लटती है। अच्छा अच्छा, जैसे काजू बादाम दूध मेवा जो भी इसको मिले खिलाते हम लोग, उसको बताते हैं कि कैसे लड़ना है। अच्छा, मतलब आप समझाएंगे तो समझ जाएंगे। ये 2000 रुपये हम लोग लाते हैं कोलकाता से खरीद। अच्छा अच्छा, यहाँ के हमारे विंध्याचल के जितने लोकल पंडा भाई सब लोग भी हैं, यहाँ पे सब अपने मतलब कि सब लोग लड़ाते हैं परंपरा से, दादा परवाजा से। अच्छा अच्छा, तो भाई देखिए ये मतलब इतने अच्छे, इतना मेहनत करके, मतलब 2000 रुपये का एक पड़ता है। सोचिए पहले, इतना छोटा सा पंछी 2000 रुपये का एक पड़ता है, और ये लोग कोलकाता से लाते हैं यहाँ पर इनको जो है लड़ाने के लिए। और मकर संक्रांति के दिन जो है लड़ाया जाता है, 14 जनवरी को लड़ाया जाता है, इनका जो है फाइट होता है। और ये बांधे क्यों है, मतलब उड़ कर चले जाएंगे? हाँ, इसका पेटा बांध, इनको अगर नहीं बांधेंगे तो उड़ जाएंगे ना। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, बहुत गजब का चीज़ मिल गया यार। तो मैं पहली बार आया, मतलब आया तो बहुत हूँ, बट ये पहली बार देखने को मिल रहा है नज़ारा यहाँ का। ये देखिए,